राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के नियम और पुरुषोत्तम मास में क्या करें अथवा क्या नहीं करें। पुरुषोत्तम मास धर्म और कर्म की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपने कर्म और धर्म से अनंत पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है, जिसमें पुरुषोत्तम मास के सरल और सहज नियम बताए गए हैं और पुरुषोत्तम मास में क्या करें अथवा क्या नहीं करें यह सभी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए। हम अपने चैनल पर उच्च जानकारियाँ लाते रहते हैं। दोस्तों, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी होती है और साथ में चतुर्मास भी चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हमें किन नियमों का पालन करके। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली की तरफ से पुरुषोत्तम मास की शुभकामनाएं। आश्विन महीने में अधिमास और पुरुषोत्तम मास एक महीने के लिए होता है और यह हर 3 साल पर आता है। यह सभी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से दी है। उन सभी जानकारी को जानने के लिए आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। ये जानते हैं इस माह में क्या करना चाहिए। यह मास धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास है। अधिमास के अधिपति भगवान विष्णु माने जाते हैं। इस माह की कथा भगवान विष्णु के अवतार नृसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। इस माह में श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत पाठ का वाचन और गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। यह सब अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है और आप नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप अवश्य करिए। इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी महत्व है। पूरे मास एक समय ही भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम होगा। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान, सुपारी, कटहल, सहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है। इस माह में भगवान के दीप दान और ध्वजा दान का भी बहुत महिमा माना गया है। इस माह में दान दक्षिणा का कार्य भी पुण्य फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और उनका निवारण होता है। इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, ऋण चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म, सूरज जलवा आदि, गर्भाधान, पुस्तवन, सीमान जैसे संस्कार किए जा सकते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी का कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम माह में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करें और मांसाहार से दूर रहें। मांस, शहद, चावल की माड़, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, अष्टाधिक, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ आदि शुभ कर्मों और मांगलिक कार्यों का भी निषेध माना गया है। इस महीने वस्त्र, आभूषण, घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती है, परंतु बीच में अगर कोई भी शुभ मुहूर्त हो तो आप ज्योतिष की सलाह पर आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। शब्द, गृह कलह, क्रोध, असत्य भाषण और समागम आदि कार्य जैसे नहीं करना चाहिए।
कुआं, बोरिंग, तालाब का खनन आदि का भी कार्य त्याग करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के सरल और सहज पालने योग्य जो नियम है, उन नियमों का कैसे पालन करना चाहिए। अब मैं आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे देती हूँ। पुरुषोत्तम मास में सरल और सहज पालने योग्य नियम क्या हैं? कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन सर्वसाधारण के लिए अत्यंत ही सरल और सहज है। इन नियमों का पालन करके पुरुषोत्तम मास में हम अनंत फुल पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या वो नियम है। शुद्धि और नित्य क्रियाएं। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी पूजा पर बैठ रहे हो तब भी स्नान कर लेना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य होम आदि पूर्ववत करना चाहिए। पूरा महीना ब्रह्मचर्य से रहें। विशेष रूप से तुलसी जी को 8 पवित्र नाम पढ़ते हुए नित्य जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी के सामने दिया लगाना चाहिए। साथ ही साथ आरती भी करनी चाहिए, तुलसी अर्चन भी करना चाहिए। व्रत और उपवास यदि संभव हो तो पूरे पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों एकादशी और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक रहना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन सामान्य एकादशियों के जैसे ही अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चतुश्लोकी भागवत, गोपाल सहस्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। नित्य श्रीमद् भागवत पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे भजन और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। दीपदान, घटदान और कांसे का संपुट मंदिरों और घरों में दीपक लगाने चाहिए। इसी को दीपदान कहते हैं। दीपदान में तेल और घी कुछ भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के संपुट में मालपुओं का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में यह सभी कुछ बताया गया है। दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, अतः सही व्यक्ति को देना चाहिए और जितनी क्षमता हो उतना ही दान करना चाहिए। इस परम पवित्र मास में सिनेमा और टेलीविजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी कुछ उल्टा सीधा नहीं देखना और सुनना चाहिए। इस समय को रामायण अथवा भगवत जी पढ़ने सुनने में लगाना चाहिए। आप पुरुषोत्तम मास में कौन कौन भगवत गीता या विष्णु पुराण का पाठ कर रहे हैं मुझे अवश्य बताइए। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सुन रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर। या फिर आप जानना चाहते हैं ये भागवत गीता या महात्म्य कथा जो है, पुरुषोत्तम मास की जो महात्म्य कथा है, उन सभी को अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में कथा सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अवश्य आपको कथा सुनाने का प्रयास करूंगी। निंदा, झूठ और शत्रुता आदि से दूरी बनाकर अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि करें इस माह में, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है और भगवान विष्णु की आराधना तो वैसे भी बहुत पुण्यदायी और फलदायी होती है, तो आप अवश्य करिए आराधना। मंत्रों का जप अवश्य करते रहिए। पुरुषोत्तम मास में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना ही अलग महत्व है। इस माह के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस माह में खाने पीने की चीजों का बहुत महत्व है। इस माह तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना शास्त्रों में मना है। आइए जानते हैं कि इस माह किन किन चीजों को अपनाएं और किन किन चीजों से परहेज करें। इस माह कोई भी व्यक्ति यदि गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सौंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि का भोजन करे तो उसे जीवन में कम शारीरिक कष्ट होता है। और ये जो पदार्थ मैंने आपको बताए और उससे बने पदार्थ उसके जीवन में सात्विकता की वृद्धि करते हैं, अतः इस माह उपरोक्त पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेहत हमेशा अच्छा बना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे,
आप इन चीजों का इस माह में सेवन अवश्य करिए। इस माह में उड़द, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, मसूर की दाल, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शहद, मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि का सेवन करने से तमोगुण की वृद्धि का असर जीवन पर्यंत रहता है। अतः पुरुषोत्तम मास में इन चीजों का खान पान वर्जित कहा गया है, तो आप इन चीजों से अवश्य बचें। नियमों का पालन करते हुए पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें, आप पर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा अवश्य होगी। और भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु पुराण पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता का महात्म्य मैं अलग अलग अध्याय के अनुसार आपको सुनाऊं, तो मुझे अवश्य बताइए कमेंट में, मैं अवश्य कोशिश करूंगी। और पुरुषोत्तम मास की का जो कथा महात्म्य है वो भी अपने वीडियो में जरूर लाऊंगी। आप मुझे कैसी लगी आपको ये मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको यह जानकारी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और सबको लाभ प्राप्त हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।